डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किरण आरेख का उपयोग करके लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, लेंस में वस्तु को रखते हैं लेंस के सामने तो उसके प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। देखिए, लेंस में वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए तीन नियम हैं। हम किन्हीं दो नियम को लेकर प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको पहले नियम की बात बताऊंगा, फर्स्ट ला। यह नियम क्या कहता है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, मैं आपको दोनों लेंस यहां दिखाऊंगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं उत्तल लेंस। देखिए, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, आप सभी जानते हैं। यहां इसका होगा प्रथम फोकस और यहां इसका होगा द्वितीय फोकस, ठीक है। तो नियम कहता है, ध्यान से देखिएगा, पहला नियम क्या कह रहा है, चित्र को देखिए, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, यही द्वितीय फोकस से होकर जाती है। यह है उत्तल लेंस। किस लेंस में? उत्तल लेंस में। अब ध्यान दीजिएगा, यही चीज अगर मैं जब अवतल लेंस की बात करूंगा, अवतल लेंस की बात करूंगा, तो ये इसका मुख्य अक्ष है। यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पे है इसका, सपोज करिए ये इधर होता है इसका F1 और इधर होता है इसका F2, यानी उत्तल का अपोजिट होता है। तो इसमें कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये किरण प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस की ओर आती हुई क्या कर रही है? प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा है अवतल लेंस। पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस में, अथवा द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। डियर स्टूडेंट, मैं आपको सेकेंड नियम यानी सेकेंड लॉ के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका जो सेकेंड लॉ है, ध्यान से समझिएगा, दोनों लेंस को देखते रहिएगा, दोनों लेंस के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या होता है इसका इमेज फॉर्मेशन जब होता है। सेकेंड नियम कहता है कि लेंस के प्रथम फोकस, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, ये इसका है F1, देखते रहिए, और ये इसका है हमने माना F2 द्वितीय फोकस। तो लेंस के मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस से होकर, यानी इससे ऐसे होकर जा रही है किरण, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह है हमारा उत्तल लेंस, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। और यहां पे देखिए, यह हमारा क्या है? यह हमारा है अवतल लेंस। इसमें क्या घटना घटेगी यह भी देख लीजिए आप लोग। इसका F2 यहां होता है और इसका F1 यहां होता है। तो इसमें कह रहा है कि मुख्य प्रथम फोकस की ओर आती हुई या उसकी ओर जाती हुई, देखिए ये मैं किरण थोड़ा मोटा कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, प्रथम फोकस यहां से थोड़ा मैं डॉटेड दिखाऊंगा, डॉटेड। देखिए, लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह कहता है हमारा द्वितीय नियम। ध्यान से देखिए, मैं अब आपको तृतीय नियम, तीसरे नियम के बारे में बताने जा रहा हूं।
सेकेंड वाला आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कहता है हमारा, थर्ड ला यानी तीसरा नियम क्या कहता है, ये देखिए। तीसरा नियम कहता है कि लेंस के मान लीजिए ये मैंने लेंस ले लिया, लेंस के ये है इसका प्रकाशिक केंद्र सी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, क्या होती है, सीधे निकल जाएगी। और यही क्रिया हमारे अवतल लेंस में भी होगा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए ये सीधे इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट बना दूं, ऐसे सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। तो ये है हमारे तीन नियम जो कि हम इनका उपयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, उसकी कई स्थितियां हैं। वस्तु को हम रखते हैं लेंस के कई जगहों पर, लेंस के सामने, अनंत पर रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, कई स्थितियां हैं, उसके आधार पर हम उसकी प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करते हैं। साथ ही साथ प्रतिबिंब का जो नेचर होता है, यानी उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो आकार होता है, उसका भी निर्धारण हम करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो छोटा सा मेरा ये लेक्चर था कि किरण आरेख द्वारा इसका उपयोग करके जो लेंस में प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में मैंने जो तीनों नियम बताए आपको समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हो सके तो अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।